गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि जो हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में हमने एक्वेटिक हैबिटेट है वहां तक डिस्कस किया इससे पहले वाली वीडियो में। उससे आगे एक्वेटिक हैबिटेट से आगे है एरियल या अर्बोरियल हैबिटेट। क्या है? एरियल या अर्बोरियल हैबिटेट। एरियल या अर्बोरियल हैबिटेट्स में क्या होता है बच्चों, कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं या उनकी जो एक्टिविटी है वो कहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ट्री के ऊपर, तो उनको हम क्या कहते हैं, एरियल। क्या कहते हैं? एरियल, आर सॉरी आई ए एल, एरियल हैबिटेट, या इनको हम बोलेंगे अर्बोरियल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ पर रहेंगे, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, या हम एरियल या अर्बोरियल हैबिटेट्स में यह भी कह सकते हैं कि जो एयर और ट्री में, मीन्स जो एयर में रहते हैं या ट्री के ऊपर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एरियल या अर्बोरियल। एरियल या इसको ही हम क्या कह सकते हैं, अर्बोरियल हैबिटेट। ओके, अब एरियल अर्बोरियल हैबिटेट्स के अलावा एक और क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं। क्या है? कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो लैंड और वाटर दोनों के अंदर रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। मीन्स जो एम्फीबियन हैं वो लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि फ्रोग है, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा क्या है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल है, वो क्या है, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। तो इस तरह क्या है बच्चों, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं और डिफरेंट एनिमल्स अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं। जब हम हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हैबिटेट क्या होता है बच्चों, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। टू टाइप्स का मीन्स टू कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट, सॉरी, हैबिटेट के टू कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? मीन्स कंपोनेंट का मतलब जिससे मिलकर के हैबिटेट बना है, तो उसमें हैबिटेट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, क्या आएगा, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा क्या आएगा, एबायोटिक कंपोनेंट। दोनों ही क्या है, हैबिटेट होता है उसके कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है बच्चों, जो लिविंग कंपोनेंट है उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग है उनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि लिविंग में क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट में है, लिविंग है जो। और नॉन लिविंग्स में क्या आता है, सन है, एयर है, वाटर है, ये जो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं और इनको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर में किससे कहते हैं, जो वेदर से रिलेटेड होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है वेदर से रिलेटेड। तो ये भी किस में आते हैं, मीन्स जो नॉन लिविंग है वो सभी क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, और जो लिविंग है वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं। और ये सब किसके ही कंपोनेंट हैबिटेट के, मीन्स हैबिटेट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से ही मिलकर के बना है। मीन्स हैबिटेट में क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और एबायोटिक भी कंपोनेंट होते हैं। ओके, अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, कि हमने कहा कि जो एनिमल्स हैं वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय अडेप्टेशन, क्या है अडेप्टेशन, क्या है व्हाट इज मीन्ड बाय अडेप्टेशन। ओके, तो अडप्टेशन में क्या होता है बच्चों, कि ये टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो क्या करते हैं, कि एक स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट होता है उसमें
अपने आप को अडप्ट करते हैं कि उनकी कैसे कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जिस वजह से वो क्या करते हैं उस टाइप के एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, वो जीवित रह सकते हैं। इट अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सॉरी ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन स्पेसिफिक फीचर विच इम्प्रूव द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन द एनवायरमेंट इन विच इन इट लिव, कि उनकी बॉडी के ऊपर जो फीचर होते हैं जिस वजह से जहां पर वो रहते हैं उन पर वहां पर सर्वाइव करने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये जो अडेप्टेशन है कैसे एग्जांपल लेकर के और एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि कैमल है, कैमल डेजर्ट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। कैसे अडेप्ट करता है बच्चों कैमल डेजर्ट के अंदर, कि कैमल के जो लेग है वो लॉन्ग है, इसी वजह से जो डेजर्ट में जो हीट होती है उसकी बॉडी दूर रहती है। इसके साथ साथ उस कैमल की बॉडी पे क्या होता है हम्प होता है जिसमें वो फूड स्टोर करके रखता है। मींस कहने का मतलब ये है, आगे और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक फीचर होते हैं, ऐसे ही फिश के क्या है गिल्स है जिस वजह से वो वॉटर के अंदर रह सकती है। मींस उनके ऊपर क्या है स्पेसिफिक फीचर है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में स्पेसिफिक फीचर होते हैं जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यही ऐसी ये एग्जांपल है। अब जो ये अडेप्टेशन होता है बच्चों ये क्या होता है परमानेंट अडेप्टेशन होता है और टेम्परेरी अडेप्टेशन होता है। ठीक है, परमानेंट अडेप्टेशन में क्या होता है, देखो परमानेंट अडेप्टेशन में होता है कि हमेशा के लिए, कि जो जेनेटिक इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में या जो माँ बाप होते हैं उनसे उनके बच्चों में ही वो करेक्टर आ जाते हैं अपने आप ही ऑटो में ही, और उससे क्या होता है कि वो उस टाइप के एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पोलर बियर है पोलर रीजन में रहता है तो उसकी बॉडी के ऊपर फीचर है तो पोलर बियर का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही वो अडेप्ट कर लेता है। तो इस तरह के क्या होते हैं परमानेंट जो अडेप्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये जेनेटिक बेस होता है और इसमें क्या होता है परमानेंट चेंज होते हैं इंडिविजुअल में। जैसे कि कैमल है वो वेल डेवलप्ड है डेजर्ट के लिए, फिश है वो वेल डेवलप्ड है वॉटर के लिए, तो इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड क्या है कि उसमें चेंज नहीं है, वो उनमें पेरेंट्स से उनके अंदर आ गया है और वो उसी में ही पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जबकि टेम्परेरी अडेप्टेशन क्या होता है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन होता है, इसमें इनहेरिटेड नहीं होता। इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से उसके बच्चे में नहीं आया है। जैसे कि बर्ड है वो क्या है अगर उनको हम पिंजरे में कैद कर दें तो भी वो केज में अगर रखे कुछ समय के लिए तो वो वहां पर सरवाइव कर सकता है, जबकि उनके वो इनहेरिटेड नहीं है। तो इस टाइप का जो चेंज होता है वो क्या होता है टेम्परेरी चेंज। परमानेंट चेंज इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ऐसे ही ट्रांसफर होता है, लेकिन टेम्परेरी चेंज कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि बर्ड्स है उनको हम किसमें रख दें केज में रख दें तो वो क्या होता है टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब इससे आगे हमने हैबिटेट पढ़ा है, तो हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के हैबिटेट है। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी क्या है डिफरेंट टाइप के जो हैबिटेट है वो है, जैसे कि ग्रासलैंड का है, फॉरेस्ट का है, डेजर्ट का है, माउंटेन का है, उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले हम आज इतना ही करेंगे टेम्परेरी अडेप्टेशन तक। टेम्परेरी अडेप्टेशन तक क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों आप साथ साथ लिखोगे भी टेम्परेरी अडेप्टेशन। टेम्परेरी अडेप्टेशन तक आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो हैबिटेट की डेफिनेशन, उसके बाद थ्री टाइप्स का हैबिटेट होता है कौन कौन सा, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और अर्बोरियल हैबिटेट या एरियल हैबिटेट। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक वो लिखोगे। फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के बाद टेम्परेरी और परमानेंट अडेप्टेशन। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है लिखना है नोटबुक में, नोट्स बनाने हैं। यही है सर, आज क्वेश्चन सर्च नहीं करने हैं, केवल जो इनकी ये डेफिनेशन है वही आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के। जैसे सबसे पहले क्या डालोगे हेडिंग, मैंने कहा हैबिटेट, तो ऐसे अपनी नोटबुक में पहले ऐसे ही क्या लिखोगे चैप्टर 9 चैप्टर का नेम और फिर ब्लैक पेन से क्या डालोगे हैबिटेट। ओके, और हैबिटेट लिखने के बाद फिर उसकी ब्लू पेन से डेफिनेशन लिखोगे कि व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट। क्या लिखोगे हैबिटेट की डेफिनेशन, कि ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, कि वह प्लेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसका क्या कहलाता है हैबिटेट। ओके, तो ये दोनों वीडियो देखनी है बच्चों। एक्वेटिक हैबिटेट तक जो पार्ट की वीडियो है वो पहले वाले उसमें है और दूसरा पार्ट ये है, दोनों आपको देखनी है।
ओके, धन्यवाद बच्चों।